एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता स्वागत तो करो हमारा तेरे को तो दिखता ही बैसा कितने आदमी है स्वर हमेशा ग्रुप में शिकार कैसे लेगा राधे बदला कौन देगा राधे का साथ क्या मर जाएगा राधे हेलो फ्रेंड्स मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंदिदा चैनल बॉल ग्रैंड स्टूडियोस दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और सिनेमा लवर हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस ऑपर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए दोस्तों अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर आपको बता दें कि वांटेड मूवी जो सन 2009 में आई थी जिसमें मुंबई के स्मगलिंग गैंग के बीच हुए भिड़ंत को दिखाया गया था याद है ना जिसके हीरो सलमान खान थे वो एक बार फिर बड़े पर्दे पर आ रहे हैं जिसमें सलमान खान एक बार फिर राधे के किरदार में हम सभी को देखेंगे दोस्तों वही उनका जानवी कपूर साथ देंगी और उनके साथ विलन के किरदार में नजर आने वाले हैं प्रकाश राज फैंस बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं तो चलिए जानते हैं क्या है इसकी कहानी दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि राधे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने ही वाला होता है कि तभी एक नर्स उसे इंजेक्शन लगाने के लिए आती है लेकिन जानवी टाइम पर आ जाती है और उस नर्स को इंजेक्शन लगाने से रोक देती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो नर्स किसी के कहने पर राधे को पॉइजन दे रही है दोस्तों आपको बता दें कि सच्चाई सामने आने के बाद वो नर्स जानवी को बताती है कि उसे गनी भाई ने ये सब करने को कहा था उसके बाद राधे गनी भाई से मिलने उनके ठिकाने पर जाता है अब इसके आगे दोस्तों राधे गनी भाई के ठीक सामने जाकर बैठ जाता है और अपनी गन निकालकर भाई के सामने रख देता है और फिर गनी भाई से बोलता है किसने दी थी मुझे मारने की सुपारी क्यों मारना चाहता था वो मुझे ये सुनकर गनी भाई अपने आदमियों को वहां से जाने के लिए कहता है और फिर अपने मुंह से सिगरेट के धुएं को छोड़ते हुए बोलता है ये मुझे नहीं पता ये मेरे धंधे के उसूल नहीं है मुझे बस तुम्हें मारने के लिए पैसे मिल रहे थे तो मैंने वो पैसे ले लिए और तुम पर हमला करवा दिया लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए ये सुनकर राधे अपने पैर को सामने के टेबल पर रखता है और अपनी आंखों पर से चश्मा हटाते हुए गनी भाई से बोलता है मेरी किस्मत तो अच्छी है लेकिन ऐसी किस्मत सबको नहीं मिलती तो इससे पहले कि मैं तुम्हारी किस्मत में ग्रहण बनकर लग जाऊं मुझे बता दो कि यह हमला किसने करवाया है ये सुनकर गनी भाई जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हंसते बोलता है ये कल का आया मामूली सा गुंडा मुझे धमकी दे रहा है और यह बोलकर गनी भाई अचानक से उठता है और सामने के टेबल पर पड़ी गन को उठाने की कोशिश करता है पर उससे पहले ही राधे गन को उठा लेता है और उसे लोड करके गनी भाई पर पॉइंट कर देता है दोस्तों गनी भाई राधे के हाथ से गन देख कर डर जाता है और डर में हंसते हुए बोलता है राधे वो मैं बताता हूँ किसने मुझे सुपारी दी थी ये सुनकर राधे गनी भाई को बताने का इशारा करता है और आगे गनी भाई बोलता है वो तुम्हारे मामा ने ही मुझे ये करने को बोला था ये सुनकर राधे बोलता है मुझे उसका पता चाहिए गनी भाई डरते हुए बोलता है वो वो इंडिया में नहीं है वो अभी यूएस में है और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ये सुनते ही राधे गन चला देता है और गनी भाई वहीं के वहीं गिर जाता है गनी भाई के सर से खून बहने लगता है और ये सुन गनी भाई के सारे आदमी वहां आ जाते हैं और उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं और राधे वहां से निकल जाता है दोस्तों राधे यूएस एयरपोर्ट से बाहर आता है और उसके हाथ में लगेज होती है राधे अपनी पॉकेट से गोगल्स निकालता है और उसे पहनता है राधे एयरपोर्ट के सामने खड़ी कार में जाकर बैठ जाता है और उसे कहीं जाने को इशारा करता है दोस्तों आगे आपको बता दें कहानी में कि कार एक बड़े से होटल के सामने रुकती है और वो कार से बाहर आता है और सीधा होटल के अंदर जाता है वहां उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा होता है राधे उसके पास जाता है और उससे बोलता है जो मैंने कहा था वो तुमने कर दिया ये सुनकर उसका दोस्त अपना सर हिलाता है और राधे उसके साथ एक कमरे में चला जाता है तो दोस्तों आप बताइए क्या लगता है आपको राधे का अब क्या है नया प्लान ये जरूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि आगे की स्टोरी में आपके अनुसार क्या होने वाला है और जाते जाते अभी तक की स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और हां चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए मुझे दीजिए इजाजत आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ नमस्कार